नमस्कार किसान भाइयों, दोस्तों आज आपको मैं एक जमीन फाड़ यंत्र बताने वाला हूँ। आपको ना तो डिस्क प्लाऊ की जरूरत पड़ेगी और ना ही एमबी प्लाऊ की जरूरत पड़ेगी। प्राइस कितना है, कितने एचपी ट्रैक्टर पर कितने हल्का तोता हल चलेगा, जो किसान भाई एमबी प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ यूज करते हैं उनको ये दिक्कत आती है कि वो जैसे अपने खेत में खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, तो वो खाद जमीन में चली जाती है डिस्क प्लाऊ लगाने से या फिर एमबी प्लाऊ लगाने से। या अगर आप यंत्र अपने खेत में चलाते हो दोस्तों, आपने जो गोबर की खाद वगैरह खेत में डाली है वह उससे ज़मीन में नहीं जाएगी, गहराई पर नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी और आपको उस खाद का भरपूर फायदा मिलेगा। और जो एमबी प्लाऊ डिस्क प्लाऊ काम करते हैं वह काम यह अंतर आपको करके बताएगा। या दूसरा फायदा दोस्तों, जब इसको चलाते हैं खेत में तो इससे खेत में गड्ढे नहीं बनते। एमबी प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ चलाने से खेत में गड्ढे बन जाते हैं, खेत मतलब उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसका जो नुकसान है। और इसका ये फायदा है कि गड्ढे कहीं नहीं बनेंगे, जो कल्टीवेटर चलाते हैं उसी भांति ही अपने खेत को जोत कर बताएगा। तीसरा फायदा, अगर आप खेत में कल्टीवेटर चलाते हो तो कल्टीवेटर की 3 जुताई करनी पड़ेगी, वह काम यह 1 जुताई में करके देगा। कि जब हम इसको चलाते हैं तो खेत में जो डिस्क प्लाऊ और एमबी प्लाऊ गहराई लेते हैं उतनी गहराई लेके ये चलता है। और उससे दोस्तों खेत में जो खरपतवार जैसे धूप गाद है, सिया है, उनके लिए दोस्तों यह वरदान है एक तरह से। ऐसी खरपतवार जो गर्मियों में भी नहीं जाती है वह इससे साफ हो जाएगी। और दोस्तों यह जैसे नरम मिट्टी है या फिर कठोर मिट्टी है, सभी मिट्टियों में काम करेगा। उसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में पत्थर वगैरह है, मतलब पथरीली ज़मीन है, तो उसमें यह काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दोस्तों को चलेगा ही नहीं है। इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने आपको भी बता दिया। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो ये 7 हल्का एमबी प्लाऊ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 4 पीछे लगे हुए उसमें और 3 इसमें आगे लगे हुए, 7 हल्का तोता हल है। तो यह दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो, जैसे अपने कई किसान भाइयों के मन में सवाल होगा कि कितने हल्का तोता हल कौन से एचपी ट्रैक्टर पर सही चलता है, अगर 5 हल्का तोता हल लेते हो तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए 50 एचपी का, और 7 हल्का अगर आप तोता हल लेते हो तो उसके लिए चाहिए आपको 55 एचपी या फिर 60 एचपी का। अगर इसमें 4-व्हील ड्राइव है तो आप 5-5 एचपी इसमें से घटा दीजिए, जैसे इसमें 50 एचपी का काम 7 हल्का पर आराम से कर लेगा अगर 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, और 5 हल्का तोता हल होगा उस पर 45 एचपी का ट्रैक्टर का आराम से काम कर लेगा अगर 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो। अब किसान भैया, इसके कुछ जो इम्प्लीमेंट है अगर घिस जाते हैं वो बदलने का, देखिए इसमें बहुत ही सरल है। देखिए किसान भाइयों को दिखाइए, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर आपका ये फोर घिस जाता है, देखिए यहाँ तो इसको आराम से यहाँ से खोल सकते हो आप। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक बोल्ट नट लगा हुआ है, देखिए यहाँ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ढीला कीजिए और ये पूरी निकल जाएगी। और अगर इसको आगे पीछे करना है तो इसको थोड़ा सा ढीला कीजिए, यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर देखिए हॉल दिए हुए, यहाँ से ये आगे पीछे भी आराम से हो जाएगी। और यहाँ पर एक देखिए ये लगा हुआ है छोटा सा पग, अगर ये घिस जाता है तो यहाँ से 2 नट लगे हुए हैं, इसको खोलिए और इसको उतार दीजिए। और किसान भाइयों, इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसमें केवल जैसे ये घिसेगा, इसका ये भाग घिसेगा या फिर एक भाग घिसेगा, तो इसको तो हम जैसे ठीक करवा सकते हैं, वापस इसको टिपवा के वापस लगवा सकते हैं, और ये भाग घिसेगा तो इसको नया लाना पड़ेगा, बाकी इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। आपके कोई लेना चाहता है उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा और वीडियो में भी नंबर डाल दूंगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये इम्प्लीमेंट खरीदना चाहते हो तो वहाँ से खरीद सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए रत्न एग्रीटेक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।